से बैठ जाए, बिल्कुल आराम से, कहीं कोई तनाव नहीं। शरीर को थोड़ा देख लें, कहीं तनाव तो नहीं है, ना अखड़ के बैठे ना उखड़ के बैठे, ना पीछे तरफ ज्यादा झुके ना आगे तरफ ज्यादा झुके, एक नॉर्मल स्ट्रेचर आपका होना चाहिए, नॉर्मल। हाँ, पीठ सीधा होना चाहिए, ज्यादा पीछे झुका हुआ ना आगे, एकदम आराम से बैठ जाए जैसे बैठते हैं, और सीधा पोर्शन, शरीर का जो स्ट्रेचर जो पोर्शन है बिल्कुल शरीर। और धीरे से आंखें बंद करें, बिल्कुल आराम से, जैसे पर्दा गिराते हैं वैसे पलकों से आंख गिराएं और आंखें बंद, पलकों पर भी कोई तनाव नहीं। आवाज करें, शरीर में कोई तनाव ना हो, पलकों पर कोई तनाव ना हो, बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, कहीं भी न ज्यादा झुके न ज्यादा पीछे की ओर न आगे की ओर, बिल्कुल सामान्य स्थिति में बैठे, और मन को सजेस्ट करें कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, और फिर सारा ध्यान आज्ञा चक्र में लगा दें, भ्रूमध्य में, सारा ध्यान भ्रूमध्य में, और तृतीय नेत्र से, भ्रूमध्य से आप पूरे आकाश मंडल का निरीक्षक हैं, आपके ऊपर जो आसमान है निरभ्र है या बादलों से युक्त है, जैसा आप देखना चाहें आकाश मंडल को, पूरी दृष्टि आप आकाश मंडल में घुमा दें, पूरी दृष्टि, ऐसा एक मिनट करना है, पूरे आकाश पथ का आकाश मंडल का निरीक्षण करें, कहीं कोई तनाव नहीं, सोना भी नहीं है, जागरूक रहना है, अवेयरनेस अगर चली गई तो ध्यान ना हो सकेगा, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बॉडी के प्रति अवेयरनेस, कहीं कोई तनाव नहीं, सारा शरीर शिथिल, विचार करें कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, फिर तृतीय नेत्र पूरे आकाश मंडल का निरीक्षण करें, सी दी होल स्काई, और भ्रूमध्य के सामने अंतरिक्ष में देखें एक बिंब, आपको जैसे सूरज का बिंब बनता है सुबह सुबह, वैसे एक बिंग प्रकाश वृत्त का आप निरीक्षण करें, कि सामने प्रकाश वृत्त है, प्रकाश का गोला है, एक मिनट उस प्रकाश वृत्त को देखें, फिर 10 बार अपने श्वास प्रश्वास का निरीक्षण करें, श्वास आई श्वास गई, ओ से आई म से गई, या वैसे ही देखें आप कि श्वास जो है नाभि तक आई और वहां से ऊपर की ओर गई, श्वास का आना जाना 10 बार, अगर ओंकार के साथ करें तो ठीक है, यदि नाभि करें तो भी ठीक है, लेकिन पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें कि श्वास आपके नियमित हो जाए, बिल्कुल गहरी श्वास धीमी श्वास, श्वास पर भी जोर नहीं देना है, जबरदस्ती न लेना है न छोड़ना है, आ रहा है आप एक साक्षी भाव बनाए रखें, श्वास आई श्वास गई, श्वास आई श्वास गई, 10 times 10 बार इसको देखें, उंगली पर 10 बार गिना जा सकता है, अढ़ाई उंगली पर 10 पूरा हो जाएगा, उसके बाद श्वास की भी चिंता छोड़ें, उस प्रकाश वृत्त में आप ओंकार देखें कि ओंकार लिखा हुआ है, स्वर्णाक्षरों में प्रकाश वृत्त है, उसमें ओंकार लिखा हुआ है, और उसकी किरणें आपको चारों तरफ से घेर रही हैं, उससे जो किरणें निकल रही हैं ओंकार से आपके शरीर के चारों ओर वर्तुल बना रही हैं, चारों तरफ से वो आपको घेर रहे हैं, अनुभव करें कि आपका शरीर प्रकाश से घिरा हुआ है और बीच में आप ओंकार से जो किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं वो आप पर पड़ रही हैं चारों तरफ से आप
घिरे हुए हैं प्रकाश वाले से, फिर उस प्रकाश वाले में अपने गुरु को देखें। गुरु महाराज उपस्थित होते हैं, उन्हें प्रणाम करें, फूल अक्षत दीप उन्हें समर्पित करें, फिर उनको भी विलीन होते हुए देखें उसी प्रकाश वृत्त में, और वो जो किरण स्वरूप आके वो आपके भीतर प्रवेश कर गए, अब भीतर भी ज्योतिर्मय हो गया। गुरु के प्रवेश करते ही भीतर भी ज्योतिर्मय हो गया, बाहर भी ज्योतिर्मय, भीतर भी ज्योतिर्मय। इसी स्थिति में आधा घंटा रहे हैं आप, प्रकाश वृत्त ओंकार उसमें लिखा हुआ बीच में, उस ओंकार से जो किरणें निकल रही हैं आपको चारों तरफ से वर्तुल बना के घेरे हुए हैं। गुरु महाराज आते हैं उस प्रकाश वृत्त में, उन्हें प्रणाम करें और उनको भी एक किरण के रूप में अपने में प्रविष्ट देखें, एक किरण के रूप में बदल गए हैं और आपके सहस्रार से नीचे उतर के वो आपके मस्तिष्क में भीतर बिल्कुल प्रकाशमय प्रभामय बना रहे हैं। उनकी किरणें भी आपके भीतर प्रवेश अंतःकरण में प्रवेश कर गई हैं, बाहर भी प्रकाश के बीच में है, भीतर भी सब कुछ प्रकाशित है। ऐसा अनुभव करें, ऐसा देखें, देखें कि भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश, आधा घंटा इसी स्थिति में रहे। प्रकाश ही प्रकाश, अब प्रकाश से घिरे हुए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं कि प्रकाश का हमेशा चिंतन करने वाला व्यक्ति प्रकाश स्वरूप ही हो जाता है, तो ऐसे प्रकाश स्वरूप आप बन जाए। बी लाइट, आंखें बंद, शरीर पर कहीं कोई तनाव नहीं, श्वास पर श्वास का निरीक्षण 10 बार उसको भी भूल जाएं और प्रकाश वृत्त को देखें, उसमें ओंकार को देखें, ओंकार को से जो किरणें निकल रही हैं आपको बाहर से चारों तरफ घेरे हुए हैं, और 5 मिनट इससे अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें कि प्रकाश वर्तुल से आप घिरे हुए हैं, फिर गुरु महाराज का दर्शन करें प्रकाश वृत्त में, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें भी किरण के रूप में उस वृत्त से निकलते हुए देखें, और आपके सहस्रार के माध्यम से वो पूरे शरीर में आलोक फैला दिया उन्होंने। गुरु महाराज का भी जो प्रकाश है वो आपके भीतर है, ओंकार का प्रकाश आपके बाहर है, बाहर ही भी आप प्रकाश वर्तुल में हैं, भीतर भी प्रकाश ही प्रकाश है। इस तरह से बाहर भीतर प्रकाश में बन जाए और उस वृत्त को देखते हुए आप समाहित होने की कोशिश करें, उस वर्तुल पर पूरा ध्यान रखें और अपने को बाहर से भी प्रकाश में महसूस करें, भीतर भी प्रकाश को देखें। इस स्थिति में आधा घंटा रहा, शरीर पर कहीं कोई तनाव नहीं, आंखें बंद, प्रकाश वृत्त को आप देख रहे हैं, उसमें जो ओंकार है उस ओंकार की किरणें आपको बाहर से चारों तरफ से घेरे हुई हैं। गुरु महाराज को नमन कीजिए, गुरु महाराज भी प्रकाश रूप में आपके भीतर उतर गए हैं, भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश, प्रकाशमय चित्त और सारा ध्यान प्रकाश वृत्त, जो वृत्त है उस पर पूरा ध्यान साक्षी भाव से, सोचना नहीं उसके बारे में कुछ, प्रकाश है बिल्कुल साक्षी भाव बनाए रखें और उस पर पूरा ध्यान लगाएं। आप सोए नहीं हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सारा ध्यान प्रकाश वृत्त पर, जिसके ओंकार से आपका पूरा शरीर जो है वर्तुल बना रहा है, पूरे शरीर में प्रकाश वर्तुल, बाहर से भीतर से गुरु महाराज का प्रकाश, आप बाहर भीतर दिव्य प्रकाश से भरे हुए हैं, दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस स्थिति का अवलोकन कीजिए साक्षी भाव से, आधा घंटा, अधिक नहीं, आधा घंटा।
जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने चित्त को घुमा रहे हैं। भीतर बाहर प्रकाश प्रकाश हो गए हैं आप। भीतर गुरु का प्रकाश, बाहर ओंकार का प्रकाश, आप प्रकाश वर्तुल से प्रकाश से घिरे हुए हैं। सारा ध्यान तृतीय नेत्र से प्रकाश वृत्त पर, प्रकाश वृत्त देख रहे हैं और उसी पर बस उसको देख रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और अपने के चारों तरफ प्रकाश की अनुभूति, भीतर प्रकाश की अनुभूति करें। बस आधा घंटे का अभ्यास है। पहले की तरह विलीन हो गया, लेकिन प्रकाश भीतर बाहर पूर्ववत बना हुआ है। फिर आप अपने शरीर के प्रति सचेष्ट हो जाएं। शरीर के प्रति सचेष्ट हो जाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं, शामियाना है, गुरु भाई लोग ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद हाथ जोड़ेंगे। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, आप इस सृष्टि के नियंता हैं, आप सृष्टि के नियंता हैं, आप मुझे हर प्रकार का ऐश्वर्य वैभव प्रदान करें, अपने चरणों में भक्ति दें, चरणों में भक्ति दें। हे प्रभु हमारा शरीर सभी प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्त हो, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर दोनों हथेलियों को रगड़ के आंखों पर ले जाएं तीन बार। आंखें धीरे से खोल दें और फिर अपने को देख लें, स्वस्थ हो जाएं। संकल्प के समय यदि कोई कामना यदि आप करेंगे तो वो कामना पूरी होती है। कोई भी चीज आप चाहें कि हम ये हो जाए आगे चलकर भविष्य में, तो वो भविष्य में रूपायित हो जाएगा। हाथ पैर को देखा, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई पीड़ा तो नहीं है। तो ये तो एक प्रयोग हुआ ध्यान का, और इसका अच्छा रहता है जब सुबह में करें। आप सो के उठें, चाहे कितना भी बज रहा हो उसे कोई बात नहीं, सो कर उठें, कुल्ला कलाली कर लें और फिर ध्यान में बैठ जाएं। और इस ध्यान को आधा घंटा करें, सारा दिन मन प्रसन्न रहेगा।